हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी तैयारी 2 का रिजल्ट आना शुरुआत हो गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट का आ भी गया है, 6 to 8 एंड 9, 10 का, एंड आप देख ही रहे हैं कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन का भी आज या कल में आ ही जाएगा, आज रात को 100% चांस है कि आ जाएगा, अगर आज नहीं आया तो कल तो 100% है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पोल किया था यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के आपके डेटा आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 से 80 वाले 17% हैं, एंड 70 से 75 वाले 34% हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कहाँ जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 75 से 80 तक भी बच्चे आए हैं और 70 से 75 तक भी। तो जनरल का कट ऑफ तो हाई रहेगा ही, फिजिकल एजुकेशन में भी जहाँ तक अनुमान है, और अदर कैटेगरी में तो कम हो सकता है, लेकिन जनरल में कट ऑफ हाई रहेगा, जैसा कि 70 के एबव ही रहेगा और मेल का 70 से 80 के बीच में ही रहेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आगे रिजल्ट आएगा तो जो भी सच्चाई होगा वो तो देख ही जाएगा, ये कोई निश्चित तो बता नहीं सकता कितना कट ऑफ जाएगा। जैसा कि जो डेटा आया है इसके हिसाब से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और जो फीमेल का कट ऑफ है, हो सकता है कि वो 66 से 70 के एबव रहे, या 70 से एबव भी जा सकता है फीमेल का भी। और उसके बाद जो बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी हैं, जो 65 से नीचे या 60 से 65 के 68 के बीच हैं, उन सब का भी चांस है, बट यहाँ पे जनरल का कट ऑफ आपका हाई रह सकता है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, बस आज का आपको वेट करना है, आज रात को सब क्लियर हो जाएगा जो भी कट ऑफ जाएगा। मेरा मकसद इस वीडियो में कट ऑफ बताना नहीं था, जो मैंने डेटा पोल किया है उसको आपको दिखाना था, और जो होना होगा वो तो हो ही गया होगा, और रिजल्ट आने पर आप सबको पता चल ही जाएगा। फिर भी जो भी परिणाम होगा उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितना सीट है उतना ही होगा, उससे बाहर जो भी बच्चे हैं वो तो छटेंगे ही। तो अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि बैठने से तो काम चलेगा नहीं, जो भी कमियां हैं उसे सुधारना ही पड़ेगा, निराश होने से किसी भी समस्या का सलूशन नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छा बात है, जिसका नहीं होगा उसको निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरे मन से फिर से लगना शुरू कर दीजिए, और अगले एग्जाम में आपका जरूर हो ये सोचिएगा, और पूरा अपना एफर्ट लगाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।